एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेस मास्क लाई हूँ जो आपके फेस को तो टाइट करेगा, ब्राइट करेगा, आपकी जो फाइन लाइन रिंकल्स है उनको दूर करेगा। देखो होता क्या है, जो हम लोग फेस की जो फाइन लाइन रिंकल्स का तो ध्यान देते हैं, लेकिन गर्दन को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि गर्दन पर जो है फाइन लाइन रिंकल्स ज्यादा पड़ते हैं। आप देखोगे गर्दन पर यहाँ पर झुर्रियां झुर्रियां सी पड़ने लगती हैं, और वो पहले पड़ती है, लेकिन हम लोग फेस का ज्यादा ध्यान देते हैं। आज मैं आपके लिए जो मास्क लाई हूँ, जो फेस पैक लाई हूँ, वो आप अपनी नेक पे लगाओ। नेक पे जो फाइन लाइन रिंकल्स पड़ जाते हैं, इनको आप टाइट करो। जब आपका फेस तो टाइट रहेगा, नेक पे झुर्रियां होंगी तो वो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। आज मैं आपके लिए जो मास्क लाई हूँ वो आप अपनी नेक पे लगाओ। नेक के साथ साथ आप अपने हाथों में भी लगा सकते हो। तो पर जो बहुत ज्यादा झुर्रियां झुर्रियां सी पड़ जाती है, वो खराब लगती है। तो इस मास्क को आप अपने गर्दन, फेस, हाथ, पैर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। और ये इतना ज्यादा इजी है ना, ये आपको आपकी जो है किचन में सामान मिल ही जाएगा। लागत कुछ भी नहीं, लेकिन फायदे इसके इतने ज्यादा है ना, आप इसको यूज करके देखिएगा। अगर आप वीक में दो बार भी यूज करते हो तो आप देखोगे ना, आपकी चेहरे की, आपकी गर्दन की जो फाइन लाइन रिंकल्स हैं बहुत जल्दी चली गई। इस मास्क को कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है पूरा मैं बताऊंगी। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। और हाँ, एक बात आपसे और कहनी है, मेरा एक और चैनल है सीमा जेटली, जिसमें मैं 45 डेज की क्लासेस ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस। आप भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 45 डेज की ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर की क्लासेस हैं, आप वहाँ पर मुझको सब्सक्राइब करके वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखने है। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो चलती हूँ और बताती हूँ कि आपको किस तरह से ये फेस मास्क बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। एंटी रिंकल्स फेस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए गुड़, यानी कि जैगरी। ये आपको आपके घर में मिल ही जाएगा, नहीं है तो आप बाजार से भी ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सस्ता आता है। मैंने ये खड़ा लिया है, इसका पाउडर भी आपको मार्केट में मिलता है, आप चाहो तो पाउडर ले सकते हो, लेकिन ये आराम से टूट जाता है। मैं इसको घर पर ही इस तरह से तोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो हम लेंगे, थोड़ा सा ही लेना है, इसको आप 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए बना करके रख सकते हो। गुड़ आपकी स्किन को टाइट करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करता है। तो हम इसका थोड़ा सा ही टुकड़ा लेंगे और ये हम इसको हाथ से इस तरह से मैश कर देंगे, ये आराम से टूट जाता है। वैसे इसका पाउडर भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो बस हम इसको इस तरह से तोड़ देंगे और ये आपकी फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करता है। गर्दन जो होती है ना, गर्दन में बहुत ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल्स आ जाते हैं एज के हिसाब से, और इसको हम लोग अवॉइड करते हैं और चेहरे के लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसको आप नेक पे भी लगाओ, फेस पे तो लगाओ ही, नेक पे भी आप लगाओ। नेक देखिएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होने लगी है, नेक की स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो इसको हम 2 से 3 चम्मच इस तरह से ले लेंगे, बारीक सा मसल करके, आप चाहो तो ग्राइंडर में पीस भी सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें जो दूसरी चीज़ डालेंगे, ये डालेंगे हनी। हनी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करता है। तो जो भी मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं, जो दोनों चीज़ें बता रही हूँ, दोनों ही फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करती हैं। और एक बात आपको और भी बता दूँ कि हनी जो स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ में आपके कलर को भी फेयर करता है, गुड़ भी आपके कलर को फेयर करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना कलर फेयर करना है तो आप भी तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये एंटी एजिंग ही है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसमें कोई हार्मफुल चीजें तो है नहीं। तो दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो तीसरी चीज मैं आप इसमें डालने वाली हूँ वो भी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसमें मैं यूज कर रही हूँ कच्चा दूध। कच्चा दूध रॉ मिल्क कलर को फेयर करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। दूध के तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, डीपली स्किन को क्लीन करता है। तो तीनों ही चीज़ें इसमें जो मैंने यूज़ की हैं, तीनों ही काफ़ी फायदे वाली हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपकी एज कम भी है तब भी आप इसको लगा सकते हो। एजिंग का तो काम करता ही है, लेकिन आपके कलर को फेयर करता है, स्किन को क्लीन एंड क्लियर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है ये फेस मास्क। इस तरह से ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो जाएगा। जब भी इस फेस मास्क को आप लगाते हो, आप अपने बालों को थोड़ा ना ऊपर टक करके ही इस फेस मास्क को लगाएगा, क्योंकि ना ये इसमें गुड़ है तो आपके बालों में लग जाएगा, तो बालों में चिपचिपाहट सी हो जाएगी, आपको बाल धोने पड़ेंगे। तो ये एक पेस्ट अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसको हम इस तरह से लेंगे, ये देखिए एक पेस्ट हो गया ना, तो इसमें को आप मसाज भी कर सकते हो, क्योंकि हनी है, हनी से आप बहुत देर तक मसाज नहीं कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा हम इससे हल्की सी मसाज करेंगे, उसके बाद हम पहले तो जब कोई भी फेस पैक या मास्क लगाते हो आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए। तो इसको ना हम इस तरह से पूरे फेस पे लगाएंगे, देखिए मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से फैला करके लगा लेंगे और हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। आँख के नीचे भी करो,
पूरे फेस पे आपको करनी है, नेक पे भी करो। मैंने नेक पे नहीं दिखाया और नेक के लिए ही बनाया, क्योंकि मेरा नया सूट था, मुझे कहीं जाना भी था, मैंने सोचा कि ये सूट में थोड़ा बहुत लग ही जाएगा, नेक पे लगाती। लेकिन ये नेक के लिए बेस्ट है, और आप कहोगे कि मैंने नेक के लिए बनाया, अपनी नेक पे ही नहीं लगाया। तो नेक पे मैं वैसे लगाती हूँ, तो क्योंकि अधिकतर मैं फेस मास्क तभी यूज़ करती हूँ जैसे मॉर्निंग में नहाने जाने से पहले, या फिर हम रात में सोने से पहले यूज़ करती हूँ। अब इसे हल्के से मसाज करने के बाद मैं इसको पूरे फेस पे लगा करके छोड़ दूंगी। जब आप ये फेस मास्क लगाते हो, आपको बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि हनी है और जो गुड़ है स्किन को टाइट बहुत ज़्यादा करता है, तो आपको बातचीत नहीं करनी है। ये अपने आप ही थोड़ी देर में सूखने लगेगा। 15-20 मिनट आपको इसी तरह से लगे रहने देना है। उसके बाद आपको कैसे क्लीन करना है वो भी बताती हूँ। तो इसको आप लगा करके छोड़ दो, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन बातचीत नहीं करनी है। तो ये देखिए मेरा सूख गया है। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, या तो हल्के हाथों से मसाज करेंगे और या फिर एक गीली कॉटन लेंगे और उससे हम इस तरह से क्लीन कर देंगे। आप देखोगे फर्क आपको एक ही बार में दिखेगा। लेडीज़, जेंट्स, मेल, फीमेल, चाचा चाची, मम्मी पापा, सबको इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एंटी एजिंग बताया कि एजिंग वाले ही यूज़ कर सकते हैं, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करेगा। अब मैं इसको धोकर आती हूँ। धोने के बाद ये देखिए एकदम से आपको अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा। ऐसा लगेगा स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है, और अंदर से आपको फील होगा कि हाँ टाइट भी हो गई है, यहाँ की फाइन लाइन रिंकल्स जाएंगे। और मैंने बाद में ना नेक पे लेकर के मसाज कर ली थी, लगा के नहीं छोड़ा था, मसाज कर ली थी, तो देखो नेक भी मेरी काफ़ी क्लीन हो गई है। नेक का कालापन भी इससे जाता है, तो अगर आपकी नेक काली है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं एक्सरसाइज भी बता रही हूँ कि आप नेक के लिए रिंकल्स को दूर करने के लिए आप इस तरह से एक्सरसाइज भी नेक की कर सकते हो, या आप दिन में कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई इसका नियम नहीं है। तो इससे आपकी नेक पर जो फाइन लाइन रिंकल्स पड़ते हैं वो जल्दी नहीं पड़ेंगे। तो इसके बाद आप कोई भी अपना मनचाहा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लो, नहीं तो आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हो। ये देखो मैं पास से अपनी स्किन को दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। फाइन लाइन रिंकल्स देखो, जादू तो है नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपके फाइन लाइन रिंकल्स जाने लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद इसके जो रिजल्ट है मेरे साथ शेयर करिएगा इंस्टा पे। इंस्टा पे आप मुझको फॉलो कर लो, इंस्टा की आईडी मेरी ये है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।